जो दूरी रेलवे स्टेशन पर आप चाहे जो है ना वो ट्राई कर सकते हो। भाई अगर जो इसको प्रायोरिटी देनी ही नहीं थी तो इस ट्रेन को पैसेंजर से एक्सप्रेस में कन्वर्ट करने का फ़ायदा ही क्या है। ट्रेन जो अपनी पहुंचने वाली है अभी राजपुरा जंक्शन पर, और वहां से आप देख रहे होंगे एक लाइन जो है वो आ रही है, वो जो लाइन है ना दोस्तों वो आ रही है अपनी लुधियाना की तरफ से। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक और नए रेल ब्लॉग में। दोस्तों फिलहाल मैं हूँ अभी बठिंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और अपनी जो आज की यात्रा है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 04548 बठिंडा अम्बाला कैंट एक्सप्रेस में। ये जो ट्रेन है दोस्तों बठिंडा से लेके अम्बाला कैंट तक 202 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है लगभग 4 घंटे और 10 मिनट में। बात की जाए दोस्तों इस ट्रेन के रूट की, तो ये जो ट्रेन है जाती है वाया बरनाला, धूरी, पटियाला, राजपुरा होते हुए अम्बाला, और फुल्ली अनरिजर्व ये ट्रेन है। और इसके फेयर की बात करें ना तो इसका जो फेयर है बठिंडा से लेके अम्बाला तक का वो है लगभग 80 रुपये। तो फिलहाल दोस्तों मैं आ चुका हूँ अभी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर, और प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर सामने लगी हुई है अपनी बठिंडा अम्बाला कैंट एक्सप्रेस। तो चलिए ट्रेन को बोर्ड करते हैं, अपना बैग वगैरह रखते हैं, उसके बाद ट्रेन का डिपार्चर जो है आपको दिखाते हैं। फाइनली 35 मिनट की देरी के साथ जो है अपनी ट्रेन डिपार्चर ले चुकी है अभी बठिंडा जंक्शन से। तो चलिए दोस्तों अभी जल्दी से आपको इस ट्रेन की टाइमिंग जो है ना वो बता देते हैं। तो ये जो ट्रेन है दोस्तों सुबह के 7:30 पर निकलती है बठिंडा से, और 11:40 पर आपको पहुंचाती है अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पर। तो एक और नई यात्रा और एक और नए रूट को एक्सप्लोर करने के लिए दोस्तों हम जो है अभी निकल चुके हैं अभी बठिंडा रेलवे स्टेशन से। बठिंडा जंक्शन से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी जो ट्रेन है पहुंच चुकी है ट्रेन के फर्स्ट हॉल्ट पर, जो कि है बठिंडा कैंट रेलवे स्टेशन। यहां पर अपनी ट्रेन का सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट है। तो ट्रेन जो है अभी निकल चुकी है बठिंडा कैंट रेलवे स्टेशन से। तो अभी जो है आपको दिखा देते हैं अपनी ट्रेन का इंटीरियर किस तरह का है। कुछ इस तरह का इंटीरियर है अपनी ट्रेन का, सामने की ओर आप देख सकते हैं 2 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। इस तरफ आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, यहाँ आपको बैग वगैरह हैंगिंग करने के लिए मिल जाएगा। ऊपर की ओर आपको लाइट और फैन जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पर आप चाहे तो बैठ सकते हैं, अगर आप अपना लगेज वगैरह रखना चाहें यहाँ पर तो लगेज भी रख सकते हैं। सामने की ओर भी आपको लगेज रखने के लिए जगह मिल जाएगी। बाकी 2 सीटें इस तरफ भी मिल जाएगी आपको, और एक चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर भी मिल जाएगा। अपनी पहुंच चुके अभी रामपुरा पुल रेलवे स्टेशन पर। PUL यहाँ का स्टेशन कोड है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म यहाँ पर 1 है। बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट का हॉल्ट है, और अपनी ट्रेन जो है यहाँ पर लगभग 55 मिनट की देरी के साथ पहुंची है, और यहाँ तक अपनी ट्रेन जो है 32 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी है। Thank you.
नोएडा से लगभग 64 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी जो ट्रेन है दोस्तों वो पहुंच चुकी है अभी बरनाला रेलवे स्टेशन पर। BNN यहाँ का स्टेशन कोड है, एक प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। बाकी बरनाला जो है वो फेमस है अपने टेक्सटाइल मार्केट के लिए। दोस्तों 96 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी जो ट्रेन है पहुंच चुकी है अभी धूरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। DUI यहां का स्टेशन कोड है, 4 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। बाकी धूरी से एक जो लाइन है वो चली जाती है लुधियाना जाखल की तरफ, एक लाइन चली जाती है यहां से बठिंडा राजपुरा वाली, जिसकी वजह से धूरी जो है एक जंक्शन पॉइंट भी है। हॉल्ट के बाद जो है अपनी ट्रेन निकल चुकी है अभी धूरी जंक्शन से। ये रहा अपना WTG 4G। तो ट्रेन जो अपनी निकल चुकी है अभी धूरी जंक्शन से और धूरी से जो है ना हमने एक पानी की बोतल ली है। रेल नीर की बोतल जो है धूरी जंक्शन पे मिली नहीं रही थी और एक हमने ये लिया है चाय का कप। तो टेस्ट करते हैं चाय का कप और बताते हैं आपको चाय कैसी है। चाय जो है दोस्तों काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी बढ़िया है चाय। धूरी रेलवे स्टेशन पर आप चाय जो है ना वो ट्राई कर सकते हो। तो ट्रेन जो है अभी पहुंच चुकी है नाभा रेलवे स्टेशन पर। NBA यहां का स्टेशन कोड है, एक प्लेटफॉर्म का ये छोटा सा रेलवे स्टेशन है जहां पर 16 ट्रेनें आकर हॉल्ट करती है।
दोस्तों ट्रेन जो अभी पहुंच चुकी है अपनी पटियाला रेलवे स्टेशन पर, PTA यहां का स्टेशन कोड है। 4 इस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म है और पटियाला जो है पंजाब का 5वां सबसे बड़ा शहर भी है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पर ना 18 ट्रेनें आकर रुकती है और एक जो ट्रेन है यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। चलिए दोस्तों डिपार्चर जो है अपना हो चला है पटियाला रेलवे स्टेशन से। लगभग 1.5 घंटे से भी ज़्यादा अभी डिले हो चुकी है अपनी ट्रेन। मेरे को एक चीज़ नहीं समझ आ रही है कि इस ट्रेन को ना पैसेंजर से एक्सप्रेस में कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन इसको प्रायोरिटी जो है बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है। कोई भी ट्रेन आती है तो इसे रोक दिया जाता है उसे क्रॉसिंग देने के लिए। एक ट्रेन इसे ओवरटेक भी करके गई। तो फिर भाई अगर जो इसको प्रायोरिटी देनी ही नहीं थी तो इस ट्रेन को पैसेंजर से एक्सप्रेस में कन्वर्ट करने का फ़ायदा ही क्या है। आप देख रहे होंगे एक लाइन जो है वो आ रही है, वो जो लाइन है ना दोस्तों वो आ रही है अपनी लुधियाना की तरफ से। टिंडा से 174 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी जो ट्रेन है पहुंच चुकी है अभी राजपुरा जंक्शन। RPJ यहां का स्टेशन कोड है। 3 यहां पर प्लेटफॉर्म है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 70 ट्रेनें यहां पर आकर हॉल्ट करती है। दोस्तों ट्रेन जो है अभी पहुंच चुकी है अपने सेकंड लास्ट हॉल्ट यानी कि अंबाला सिटी रेलवे स्टेशन पर। UBC यहां का स्टेशन कोड है। प्लेटफॉर्म इस रेलवे स्टेशन पर 3 है। बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट का हॉल्ट है। अंबाला कैंट बठिंडा एक्सप्रेस।
फाइनली दोस्तों ट्रेन जो है पहुंच चुकी है अपने डेस्टिनेशन यानी कि अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर। यहां पर अपने ट्रेन का पहुंचने का समय था 11:40, लेकिन ट्रेन जो है यहां पर पहुंची है 1:15, यानी कि 1:35 की देरी के साथ। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस ट्रेन को रास्ते में ना कहीं पर भी प्रायोरिटी दी ही नहीं गई। अगर इस ट्रेन को पैसेंजर से मेल एक्सप्रेस में कन्वर्ट किया गया है तो इस ट्रेन को ना प्रायोरिटी भी उसी हिसाब की दी जानी चाहिए। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को अब यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ।